ये एक ऐसे झूठे आदमी की कहानी है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक सच को छुपाने के लिए वो झूठ के चक्कर में ऐसा उलझा कि उलझता गया उलझता गया उलझता ही गया। मेरा 400 रुपया खाकर मेरे लड़की को दूल्हा देखता का है वो दूल्हा दूल्हा ओ हाँ दामाद तुम्हारे लिए है। बात ये मुत्तू सामी मैं भूल गया था मगर मैंने लड़का देख के रखा है। वो का है लड़का लड़का बता रहे तो देखते मैं पुलिस में पकड़ के देता। मैं 400 रुपया खा सकू। अरे मगर मैं दिखाऊंगा काम पैसे छूटूंगा उसके बाद साथ में लेके। नहीं जी वो अब भी बता रहे हैं अब भी दिखाऊं। हाँ वो है वो हेड मैकेनिक है इंजीनियर बनने वाला है 150 पगार है 200 होने वाले हैं। ऐसा क्यों ना जाता क्यों नहीं अच्छा पाठा करता सो जी खबरदार जो कभी कुछ उससे बात की तो बात मैं कर लूंगा। अच्छा देख लेते तो अरे अरे तुम्हारा नाम क्या जी? मेरा नाम राजकुमार सक्सेना। क्या बात बात ही पॉपट करेगा जी हम तुम्हारा जरा मुंह देखता है जी मुंह देखता पॉपट है ना बढ़िया आ जाओ कोने में। अरे कोने में काकुर है निकालो 100 रुपया। अरे गरीब गरीब 200 रुपया लेता रहे तू निकालो निकालो ये ले 100 रुपया। आज को लड़के को लेकर आ रहे मेरी लड़की जरा देखेगी और लड़के को लेकर नहीं आया ना मेरा बीवी का भाई खड़को आए तो तुम जाओ इसको भी लेके जाओ मैं जरूर आऊंगा। चल अच्छा, चल जाओ जी लड़की का मल चल रहे पोपट यार ये मद्रासी कौन था? मुत्तू स्वामी चट्टियार बहुत रईस आदमी है अपना दोस्त भी है गैरेज खुलवाने का चक्कर चला रहा हूँ। तो फिर चक्कर चला दिया तूने। हाँ। मगर यार ये मेरा मुंह क्यों देख रहा है? तेरा मुंह वो बात ये है कि वो मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुझे मैनेजर बनाने वाला हूँ। अच्छा इसलिए आज शाम को अपनी दावत भी है तेरी और मेरी दोनों की। मेरी भी? हाँ लेकिन यार जाएंगे कैसे गैरेज में कोई बढ़िया कारोबार तो है नहीं। अच्छा आगे गुप्ता साहब पधारिए महाराज। मैडम उसका फैन बिल उतर गया है और सर स्टार डॉक्टर को दे रहा है गाड़ी ठीक करवा के बंगले पर भेज देना। अरे पोपट राजू चलो इस कार को पहले अटेंड करो चलो जल्दी करो आता है सेठ आता है। अरे क्या बढ़िया कन्वर्टेबल है यादव बोले तो खोल अबे ये गाली को बाद में बना ना तू चल मेरे साथ। कहाँ? मुत्तू स्वामी की यहाँ दावत में
तू जा यार, मुझे नहीं जाना था साथ में। अजीब आदमी है, बोनट खोलना ही पड़ेगा। अबे उसकी खूबसूरत सी लड़की है, स्वीट 17। तो मैं तेरी शादी पक्की कर रहा हूँ उसके साथ। शादी? अबे मुझे शादी वादी नहीं करने, पागल हो गया माने? अरे मगर तो सुन तो गई यार। अबे घंटी बज गई है, आ ऊपर चलते हैं बताने। ए भाई अजीब आदमी है। उसके पैसे तो मेरा क्या मतलब, उससे ले लेना। राजू अरे पैसे दे रहे उसके, मेरा कोई मतलब नहीं दिया। अच्छी बात है, एक पैसे घर पे रहे, मैं अब भी लेकर आता हूँ। अभी ये धंधा है जी, कभी हमारे यहाँ भी आया कीजिए। एक महीना, मैंने तुझे कई बार कहा कि उसे छह साल मत किया था, समझी? सुनिए तो फरमाइए क्या हुक्म है। हम भी तो खड़े हैं राहुल में। अरे जाजा मुंह धो क्या? तो मैं यही बोलता हूँ छोकरा एक ग्रास पा। मैं होटल में जाके बोल लेता हूँ। मैना तो फिर आ गई सड़क पर, चल ऊपर। देख लिया उस्ताद, तुमको सड़क पर लड़कियां छेड़ने लग गई है, मेरी बात मान लो और जल्दी से मुत्तू स्वामी की लड़की की शादी कर डालो। भी हद करता है यार। देसी बना देती हाँ यार। पान पान खाते हैं आप ना? नहीं मैं भी नहीं खाता हूँ। अच्छा चलता हूँ मैं। हाँ तू क्यों नहीं समझता है, देख भाई की पढ़ाई भी हो जाया करेगी और माँ के लिए खर्चा भी मिल जाया करेगा। मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ कि तू मेरा क्या बात है। अबे माल नहीं रखना तुम्हारा, उसका पैसे बाद में ले लेना, मैं को भागा थोड़ी जा रहा हूँ अभी। चल हाँ तो मैं तुझे समझा इसलिए रहा था कि तू अपना दोस्त है, वरना मुत्तू स्वामी को मुझे कमीशन देने वाला नहीं है। मगर मेरी बागर मगर कुछ नहीं, चल के लड़की देख लो, पसंद आए तो करना, नहीं तो कुछ भी नहीं है। चलो उठो, मैंने 8 बजे का टाइम दे रखा है। तो इन कपड़ों में जाऊंगा क्या? उसका इंतजाम भी अपने पास है, करोल में एक धोबन अपनी है, बढ़िया सा सूट ले लेंगे करोल में। हाँ। आधी रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। गैरेज पे कन्वर्टेबल जो खड़ी है ना, उसकी शादी अपने ही पास है। अभी कल चलो मैं बोलता हूँ। माल उठा, चल पैसे नहीं दे रहा है ये। आए हाय क्या कन्वर्टेबल है यार। नहीं अरे ये हेड भी देख कितना फर्स्ट क्लास है। अबे इस हेड को क्या देखता है, मैं जो कपड़े तुझे छबीली के यहाँ से दिलाने वाला हूँ ना, उसको देख कर तो मुत्तू स्वामी की चीज पड़ेगा। गाड़ी को ठीक चला मरवाया था। हाँ फटा, सफर लंबा है, टाइम कम है। मुझे सिगरेट है क्या? आ जाओ प्यारे, पसंद कर लो अपने लिए कपड़ा। स्त्री गर्म छोड़ दे गए, मैं आस पास होगी, मैं उसे देखता हूँ और तुम अपने लिए कपड़े देखो। तो देख भाई अगर मेरे कहीं जूते तो नहीं पड़वाना। उसका इंतजाम आगे है, यहाँ सिर्फ कपड़े। क्या मतलब ये कि ये लोग तो चप्पल वहां पहनते हैं, देखते नहीं पार्टी करती है। कौन है तू, क्या करता है? मैं उसका दोस्त हूँ, पोपट का। पोपट टिपट मारती है, बाप खत्म आ गया, चल जा। अरे अरे मेरी बात सुन, मैंने क्या बात कर दी है? अरे 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 कमल ने। अरे माधुरा, माधुर। अरे माधुरा तू कैसा बंडल है, हम तो घर छोड़ के ना परत आ रहे। अब बात ये है कि मैं जब भी आता हूँ ना, और तुम्हारा बापू मेरे हाथ में स्त्री पकड़ा देता है और कदम भी बन जाओ। बाबा के लिए गावल है, 2 महीने से थी। 2 महीने से थी? और वो फिर तो 2 महीने के लिए अपन बुक है ना। भूल गया था, ये अपना दोस्त है राजकुमार, यानी कि राजू। दोस्त है? हाँ बड़ा पक्का दोस्त। इतना पक्का नहीं है। पर ये तुम्हारा नाम का है, पोपट पोपट का? वो बात ये है कि इसको झूठ बोला है।
और तुम माधुरा। हाँ हाँ हाँ, इसको झूठ बोला है। हाँ तो बात यह है कि ये बेचारा है सिंगल, तो इसको डबल बनाने का है, मेरा मतलब है जोड़े से। हाँ तो उधर आ जाओ जरा। ऐसा करो के बूट का इंतजाम तो है, एक बढ़िया सा सूट निकाल लो इसके लिए। अच्छा कपड़े से क्या ला, हमको मिलने को नहीं आया, हम टाटा। अरे मगर सुनो तो सही, जरा सी बात तो नाराज हो जाती हूँ, पूरी बात तो सुनो। कौन रहे? ये मेरा सूट लो और फर्स्ट क्लास पैक करके दो, हमको सदर को मोहताज बैंक प्ले करने को जाने का है। चलेगा बहुत है पॉकेट में है ना, फिर ठीक है। स्त्री करने को मिलता है ना, तुमको फजर में मांगता है, अपने को रात में मिलता है स्त्री करने के वास्ते। संभाल कर रखना रे, ये कुछ है हमारे पास। पार्टनर आ जाओ, काम बन गया था, मेर के देखो। नहीं बाबा, ये सूट नहीं देने का, मानी सुपर ही रहता है, बहुत गर्म है, उनको मार डालेगा, अपनी बाइकों को रोज मारता है दारू पी के। सुनो तो सही, सुबह मिल देंगे तो मारेगा ना। ए देखो मैं तो माल रात ही को वापस कर देता हूँ, गया के आया समझो। अच्छा ये बात है, ए देखो मैं तो तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ और तू मेरे लिए इतना तो सूट नहीं दे सकती। दे दे, देख मान जा मैं कहता हूँ, मान जा मैं कहता हूँ। तू देख तो सही क्या जलवा होता है, मुत्तू स्वामी की लड़की देखते ही बराबर आ जा। पर माधव घाबरू नको, गया और आया समझ। तू चालू कर गाली चालू करके। गुड नाइट मिस्टर इन्फ्लुएंजा, मेरा मतलब अल्फांसो। मुझे ना अल्फांसो नो रे, और डिकोस्टा समझा। समझ गया, तुम्हारा सूट एकदम फर्स्ट क्लास प्रेस करेगा, फजर को मिल जाएगा। हाँ बड़े आपके कपड़े लॉन्ड्री में ठीक करा रही थी। लॉन्ड्री में ठीक करा देंगे, 10 मिनट में कपड़े ठीक हो जाएंगे। मुझे 10 मिनट लगेंगे कपड़े ठीक करने। ओह मेरी जूती की एड़ी भी खराब हो गई। ये भी मेरा है। मेरी वजह से बड़ी तकलीफ हुई आपको। मुझे पार्टी में जाना था। पार्टी में तो मुझे भी जाना था। मेरे सारे प्रोग्राम अपसेट कर दिए। अरे आप रो क्यों रहे? रोने से क्या फायदा, देखिए गड़बड़ जो होनी थी वो तो हो ही गई है, कभी कभी गलती हो ही जाती है इंसान। आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करा देता हूँ, बहुत जल्दी। खरी मैं अभी छिंकू पूछता हूँ, मैं अभी पूछता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। अभी आ आपके 5 मिनट में कपड़े ठीक हो जाएंगे। जी आ जाइए फौरन करिए, 5 मिनट में ठीक करने के लिए कहा आपने। माफ कीजिए जो कुछ भी गड़बड़ हुई। अरे साहब कोशिश तो करके देखिए यार, इसमें काम ही कितना ज्यादा सा काम है, आप जरा अगर मेहरबानी करें तो हो जाएगा बहुत जल्दी। गंदी का जरा डबल चार्ज होंगे, डबल चार्ज नहीं, चार्जेस की बात नहीं, चार्जेस तो मैं आपको थोड़ा दे दूंगा, उसकी आपके कमर कीजिए, पैसे आ जाए जितने ले लीजिए, लेकिन हमारे कपड़े तैयार, प्लीज सेंड देम इनसाइड। मगर 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे, कम वक्त में नहीं हो सकता। कम क्यों नहीं हो सकता, आप कोशिश करेंगे। काम है, कम से कम 1 घंटा लगेगा। हेलो नरगिस, हेलो मरी, तुम ऐसे कपड़े में इधर क्या करता है? बात ये है कि मेरे कपड़े जरा खराब हो गए। खराब हो गए? वो किच
कीचड़ ना कीचड़। कीचड़? हाँ वो देखिए व्हील है ना, व्हील से वो किसका गाड़ी? गाड़ी किसका? देखिए कपड़े ठीक हो जाएंगे मगर ये ब्लाउज तो बिल्कुल खराब हो गया, फट गया जरा सा, वो कहते हैं 10 मिनट लगेंगे इसके ब्लाउज को ठीक करने में। हेलो हेलो नहीं नहीं बाबा नहीं। ओफ नरगिस तू गलत समझ रही है, मैं कहती मैंने आज से पहले उसकी शक्ल भी नहीं देखी, ना मैं जानती वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। पर हम कुछ बोला? हम तो कुछ भी नहीं बोला। पर तुम्हारा फादर क्या सोचेगा? अब देखो नहीं रात को 9 बजे का वक्त है, तुम सब कपड़ा उतर कर इधर लॉन्ड्री में बैठा है। मेरा नहीं, एक बात है, एक वर्ड का बात है, दुनिया गोल है ना इसका वास्ते। ए उसका नाम क्या? नाम वो कह तो दिया मुझे, वही मालूम, दिल्ली विद नरगिस, आई डू नॉट नो। माफ कीजिए मैं इसकी एड़ी अभी जरा 5 मिनट में इसकी हिट करा के लाता हूँ, 5 मिनट माफ कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? नाम नर्वस खुद का कौन है? मामूली नाम। घबराता कहीं को है? हम कहीं को घबरा, क्यों घबराएगा, कहीं को घबराएगा, हम कहीं को घबराएगा, हम नहीं घबराता, हम कभी नहीं घबराता, कभी नहीं घबराता। क्या पूछा आपने, क्या पूछा? कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी तो आप मेरा नाम पूछ रही थी जी। मेरा नाम है अपन को नहीं पूछने का, नहीं पूछने का, अभी तो पूछ रही थी। ये देखिए ना ये जूता है ना, इसका एड़ी खराब हो गया, जल्दी जाओ 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 इसको सिलवा के ले आओ, जाओ जाओ हाँ लगो। तद्दन चक्रम छे प्यारे लाल डी गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रे अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अरे रे रे ये गाड़ी भी इसी का है ना? हाँ हाँ, इसका फादर भी बहुत रिच था, इसका ग्रैंड फादर भी रिच था, हम उसको पहले कभी देखा नहीं था लेकिन इसके बारे में बहुत सुन ला है। बाबा तुम बहुत बड़ा चांस माला, लेकिन इतना जल्दी सब तुमने कैसा मैनेज कर गए? मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। बोलो शट अप। हम तो मजाक थोड़ी करता है, हम तो सच सच बताता है। देखो ना अब उसका आंखें में हम देखा, वो तो बिल्कुल खलास हो गया, एकदम गया समझो। अपन मर्द लोगों की आंखी में देख के बता देता कि उसके मन में क्या है। हाँ और वो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। बाबा तुम्हारा क्या विचार है? देखो देखो इधर एड्रेस भी लिखे ला है, फोन नंबर भी लिखे ला है, तुम ऐसा करो इसको पर्स के अंदर रख ले। हाँ अगर तुमको शर्म आएगा तो हम फोन कर देंगे। नहीं रख लो, लो रख लो ना। मिस डाल वाला? यस योर क्लोथ गैलरी प्लीज कमिंग। टेलिंग अब भी आता है। गेट आउट। जो दूसरा है वो मुझे अर्जेंट चाहिए। गाड़ी
अजरम उनका हाली तक नहीं आया, क्या बता रहे थे आए गए भी उसी के फूटा चाचा से यक्षर मैं उससे पूछ तो जल्दी जाओ अभी तक नहीं आया टाइम कितना हो गया जी घबराते क्यों हो मोटर पंचर हो गई होगी अरे आते ही होगा अरे तुम जरा इधर आओ अरे कहाँ खोलने में कैसे कर रहा है मैदान में आ रहा हूँ मेरी बात सुनो सुनो लड़के के आते ही फौरन सगाई कर डाला समझे एकदम पता कर लो जी बाबल बाबल साथ है ऐसे तैयार हो जा जी शुरू करो जी चलो मंत्र बोलो जी मगर ये कर क्या रहे हैं ये इनके यहाँ का रिवाज ही जो कोई मिलने आता है उसका ऐसे स्वागत करते अरे लड़के को बुलाओ ना देख रहे बुलाओ पार्टी करो लड़के को देखने नहीं आए तो अजमेर क्या देखे बुलाओ जी बुलाओ जी बुलाओ जल्दी सुंदरम मैं तो बहुत बड़ा रही रहा जब मिलाप देखो तो सही तब ये खुश हो जाएगी हाँ जल्दी आप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं जो होना था हो गया सुंदरी तुम्हारी हो गई तुम सुंदरी क्या हो गए मतलब ये कि तुम्हारी मंगनी हो गई मंगनी हाँ ये तुमदार नारियल किस बात का मिला है अबे आज तुम हमारे दामाद हो गए सगाई के कपड़े लेकर आया हूँ सगाई हाँ तू तो वहाँ मुझे फंसा के चला आया था 15 रोज बाद तेरी शादी का वादा करके आ गया मुत्तू स्वामी से जब उसने मेरी गाड़ी छोड़ी है पोपट यार मुझे जरा गाड़ी को ट्रायल पे ले जाने का अरे अरे मगर मेरी बात तो सुन ए भाई ए भाई बताएगा आखिर हम लोग किधर जा रहे हैं बोल तो सही यार ए अजब आदमी क्या देख रहा है भाई पोपट कल रात मुझे ही मिली थी इस खंभे के पास कौन वही जो मेरे सपनों में आया करती है अबे अबे दिन में भी सपने देखने रहे क्या मुत्तू स्वामी को क्या जवाब देगा ए नेता की नौकरी से हाथ धोने का है क्या चल निकल चल 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 पटवारी पोपट एक वो महीनों कही यार शायद उसे कल वाली बात याद आ रही मुझे याद करिए ए भाई जरा समझदारी से काम ले लड़की बड़े घर की मालूम होती है लाइसेंस छिन जाएगा चल चल अभी चल
पोपट वो मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी समझती है, मैं उसी हालत में कैसे मिल सकता हूँ यार? कोई तरकीब बता। तरकीब ये है कि तू मुखड़े को उधर घुमा और गाड़िया गाड़ी बढ़ा। पोपट शायद इसी बिल्डिंग में रहती है, ये रहती पोपट वो। ए भाई, अबे ए भाई, अबे मरवा दे क्या? पोपट ध्यान में रहती है। अबे ध्यान छोड़ दिया, पार्टी अपने मतलब की नहीं, पुलिस मर लेगी। पोपट जी मुझे ध्यान में रहती है। अबे समझता क्यों नहीं दोस्तों? अबे जरा अपना हुलिया तो देख, उन ये बड़े लोगों का घर मालूम होता है, कहीं पकड़ लिया तो पूरी तरह चमकी हो जाएगी। डरमल होटल ज्यादा लाइट। थैंक यू। जान बची। अबे तुम जी हाँ सरकार। लीला नाम है उसका? जी हाँ, उसका बाप अपने चंगुल में। ऐसे ठहरिए, मैं भी देख के आता हूँ। पोपट, तेरे पीठ के पैर गाड़ी चाबी कहाँ? गैरेज में है। गैरेज में? मेरे को आइडिया है यार, अगर सब लोग की छुट्टी होने वाली ना, फिर सब लोग अपने घर जाएंगे, तो अपन कैसा करते हैं पोपट कि गाड़ी लेकर दोनों आते हैं। और मत कर पोपट, तोड़ा मारा। आइए सरकार। मता, मेरा नाम किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अजय बेफिक्र रहिए सरकार, आइए तो सही। सरकार वो लंबी सी जो सामने नाच रही है, we'll be right back.
आज हमें पिकनिक पे जाना है। अरे हाँ, चलो 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 मार खा गई। मैं तुझे पहले ही बोलता था इधर से ध्यान हटा। नहीं माना। आ गई। बात क्या बात है? गाड़ी के अंदर घुस के नहीं बैठे। वेरी गुड। तुम एक काम करो, जब तुम्हारा गाड़ी ठीक होगा तो उसको नेशनल पार्क के अंदर जाना। क्या सुनूं जी? आपकी जी में आए। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल लुभा, तेरे सामने मेरा हाल।
है तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है तुझे क्या सुना दिल रुबा। तेरे दम से है मेरी जिंदगी, तेरे गम से है मेरी हर खुशी, तेरे दम से है मेरी जिंदगी, तेरे गम से है तेरे दर्द से रह बेखबर, मेरे दिल की तब ये मजाल है तेरी निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह शाम की क्या खबर, मेरी शाम है तेरी गुफ्तगू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा। मेरे दिल जिगर में समा भी जा, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर कभी फासला, मेरे दिल जिगर में समा भी जा, रहे क्यों नजर कभी फासला, के तेरे बगैर तो जाने जा, मुझे जिंदगी भी मुहाल है तुझे क्या सुना दिल रुबा। तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है तुझे क्या सुना दिल रुबा। नौ बज चुके हैं, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अरे ऐसा मत करना, इससे तो मेरे गैराज की बदनामी होगी, और जाने दो उसको, सारा मिस्त्रीपन बुला देता हूँ। अरे तो इतना गर्म क्यों होते हो, देखिए ना बहुत सारी लड़कियाँ साथ में गई हैं, सबको घर छोड़ता हुआ आएगा, बस आता ही होगा। क्या है, आता ही होगा फिर कभी उसको घर पे लेके आएगा तो तंगड़ी तोड़ दूंगी। तंगड़ी फिर तोड़ना, पहले अपन का सूट लाओ, नहीं तो हमको 100 रुपया फटकाऊंगा। बैंड बजाने का ना वो पीछे हो जाएगा, पहले हम तुम्हारा फ्रेंड का बैंड बजाएगा। बाप रे, यहाँ तो सबका पारा 110 से ऊपर है। पारे तक आ गया, बाय। चोर पुटला निकलता, नहीं चाहिए हमको ऐसा नौकर, खबरदार के फिर कभी आया इस गैरेज में। अगर नौकरी की जरूरत हो तो इस पते पे आ जाना, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं।
तो कल नसीहत क्या मुझे समझाए हैं, मैं को बात सोचे नहीं जब तो कहीं आ जाए हैं, क्या ढाए हैं यूं समझ लो जैसे दिल सीने से निकला जाए हैं, तू ही आके संभाल इसे दिल मेरे बस में नहीं, तू ही आके संभाल इसे दिल मेरे बस में नहीं, ओए बस में नहीं थी मेरे बस में नहीं, ओए बस में नहीं थी मेरे बस में नहीं, तू ही आके संभाल इसे दिल मेरे बस में नहीं, तू ही आके संभाल इसे दिल मेरे बस में नहीं। दिल कहीं बहके तो हम कहीं बहके, दिल कहीं बहके हाँ, दिल कहीं बहके तो हम कहीं बहके, कल कहीं बहके कदम कहीं बहके, कल कहीं बहके कदम कहीं बहके, सुई सुई बत्तियाँ सुई सुई बत्तियाँ, झूले झूले दिन है तो झूले झूले बत्तियाँ, दुख लाओ ये हाल किसके ये दिल मेरे बस में नहीं, तू ही आके संभाल इसे ये दिल मेरे बस में नहीं। पोपट तेरे कारगे में गड्डी देती हूँ, अगर रोजा रोज सामना देगा तो मैं तेरा कुकर कर देना ही, याद रखी जा मुंडिया तू ऐसे ना जा चंगा तो तैयार रखी गड्डी का, अब फुटा देखना की दिया बैग पे मेरी जिम्मेदारी पे गाड़ी मिली है, रोज शाम को हिसाब दे देना, मुखड़ा बाहर निकाल और सरदार जी को पहचान ले, चल फुट जा। किधर लेके जा रहे हैं गाड़ी? क्यों खुल गया है? आगे चलना अपने अड्डे से।
ओए ओए कुछ इतना ठंडा है। ओए ओए से की देखने लगती है। और कुड़ी ने की पूर पूर के देख लिया है। और मैं के पूछ रहा किसी गलत जवाब तक दे। अजीब जानवर ना बात किया। और किसी पागल खाने से छुट के आया है। कमाल है। छोकरी के साथ जा रहा है। कौन है वो छोकरी? मुझे क्या मालूम है। पूछने को तो मंगता है कौन है वो छोकरी। मैं कौन होती हूँ? एड्रेस में ऊपर जाकर पूछेगा तो काय को घबराता है। जीत तक सवार नहीं बुला दिया। कौन है कहना सवार नहीं बुला दिया। कैसा टैक्सी वाला आता भी है। कमाल है मुख क्यों छुपाना क्यों? और कमाल है यार तू बोल रहा क्यों नहीं है? और तेरा मुंह है तू सब सुन गया है? और तू देखना देखी तू सोया है क्या? अरे मम सब चलता चलता अभी ठहरो अभी ठहरो। देख सवारी आ गया और देख और चली गई है और देख चली गई है और तो तूने सारा ठंडा कर देता हम सरदार नु की जवाब देते होए। और तू कर चुके कमाई और जब तुम कम ही नहीं करना की तो टैक्सी लहरे दिखी रहो थी तो चल सही सरदार जी देखो शाम को तेरे अब कुछ लेना हो जाए चल सही। अच्छा किया जो जिंदगी को छोड़ दिया है। मैंने तो कई बार माता के जरिए तुम्हें पैगाम भिजवाया था कि मेरे यहां चली आओ। अरे फिक्र मत करो फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दूंगा तुम्हारा। जल्दी चलने मंजल निकाली सोचा चक्रम। लेकिन तू मुझे बेकार वहां ले जा रही है नरगिस। मैं उसे मिलना नहीं चाहती। पर उसको पूछना तो मंगता नहीं कि वो छोकरी कौन था। क्या फायदा? फायदा अगर कुछ घोटाला होगा तो अपनी उसको ऐसा फ्रेट करेंगे कि आपकी लाइफ रोमांस करना भूल जाएगा। हाँ इस बार पाछे सूझे आगे चले चक्रम की बहुत। अच्छा जी तकड़िया का पीछा हो रही है। और यार कुछ तो बोल मैं क्या बात सुना तो ना की है। चुप बे हॉस्पिटल लेके से सुन। मैं तो कहती हूँ अभी वापस चलो। मरे तुम तो इससे ऐसा घबराते जैसे वो तुमको खा जाऊंगा। लेकिन तुम देखो आज हम उसको लेसन नहीं सिखाए तो हमारा नाम नरगिस नहीं। हाँ कैम बाबा सोच। अरे सो गरीब पाचे जाकर सामने जाए चक्कर में जरो भी गुप्ता को मिलने का है। वो इस वक्त जरा बिजी हैं आप तशरीफ रखिए। अरे सो बिजी बिजी करे चक्कर पर बात तो समझ लो। अरे आओ नहीं अब जब इधर आए ना तो मिलकर ही जाएंगे ना। क्या बैठो क्या बाबा सोच है एक बीजो दो तू ऐसा कर
एक पानी रुका से मेरे लिए एक नहीं बांटा दो एक आधे वस्ते एक ना वस्ते ना यार लो बादशाह पान खाओ लो। अरे क्या पान खाओ आज तो बोनट खुल जाएगा। और बोनट खोलने दी की लोड़ पे होगी। अरे कल तक गड्डी सर्विस कराइए। तू नहीं समझेगा यार जा कहीं लस्सी पी चाय पी आराम कर यहाँ से तो मेरा पीछा छोड़ जा। सुच है नरगिस। हाँ ये वही लड़की थी। कौन लड़की? वही जो कार में थी। एमके फिर हम अभी उसका पता लगाता है। ए मिस्टर कहिए। ए छोकरे को तुम जानते हैं? कौन छोकरे? वही जो अभी इधर से डेली थी। वो उसको कौन नहीं जानता? कौन है वो? प्यारेलाल जी की बहन है। बहन? जा उनकी बहुत सी बहनें हैं। एम के एम देखा नहीं अपन भूला था प्यारेलाल जी ऐसा आदमी नहीं है। अब तो फिर इधर से चाय वाय पी कर ही जाएगा। अब तो हंसो नहीं क्या बात कही है अभी सचमुच आप जब मिलते तो तबीयत खुश हो गई। वाह वाह क्या मिजाज पाया है क्यों नंदा जी। जी हाँ जी मैं तो देखते ही समझ गया था कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है खानदानी आदमी है क्यों नंदा जी। जी हाँ जी लेकिन नरगिस मुझे समझ में नहीं आता कि बाबू जी वहाँ कैसे पहुँचे। अरे उसमें समझने का क्या बात है बात पक्का करने को गए होंगे। कौन सा बात? तुम्हारा मैरिज का और कौन सा? चल हट। इस्लाम तुमने इस बुद्धू में ऐसा क्या देखा जो इतना फ्लैट हो गया? नहीं नहीं वो तेरी समझ में नहीं आएगा। हम सुना उन्हें चाहिए हर की बोली।
वेरी गुड लाइन क्लियर कम ऑन वन बाय वन मैरी रोहिणी वॉच व्हाट अ डर्टी प्लेस लुक एट दिस लुक एट दैट डर्ट फूड तुम्हें तो कैसे वेस्ट है मैं और ये तो उठी बैठने का ठिकाना है हाउस तो अपना मरीज है के ऊपर फर्स्ट क्लास फ्लैट सिट डाउन प्लीज वेरी गुड डार्लिंग आज तो तुम्हारा क्लासिकल है ही बट परंतु किंतु लेकिन ये रोज का भी आंसर नहीं है मेरा मतलब है नाक कान का भी जवाब नहीं है भाई गॉड ऐसा मालूम होता है कि सिस्टमेट फिल्म है उसका दो मॉडल पहले का है मेरी नौकरी गई सेठ की छोकरी थी सेठ के पास ये काम करता है तू समझती काई को नहीं आधा पगार इनको खुश करने की देता है आधा पगार काम करने की देता है अगले महीने इंजीनियर बनने वाला था इंजीनियर बनने के बाद मैं फिर सभी करने वाला था सारा मामला चौपट कर दिया सच बोलता है तू और नहीं तो क्या हाँ मेरा कसम देख मैं तेरी कसम खाऊंगा तो तू क्या खाएगी ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी खाते हुए तुम हमेशा झूठ बोलता है हम तुम्हारे साथ बात नहीं करता जाओ एक कमाल है चमेली आज मैं तेरे यहाँ आने वाला था लेकिन कमाल हो गया कि तू मेरे यहाँ आ गई इसका मतलब ये कि दिल से दिल को रोड पक्की बन गई है ये माधोरा तुम बड़ा बंडल है तुम बोला था हमारा बाबा बारगाम गया तुम हमको रोज मिलने को आएगा एक दिन भी नहीं आया अरे तो कौन बड़ा ना बोलता है अभी चलने किधर चलती है कहाँ चलने का बोल चमेली एक बात बोलो आ, तो तेरी रसीली है ही वो तो पैसे लेके बोलता था इधर फुकट में इसका मतलब है कि बात सच्ची है दिल से है नहीं आज तो तेरी रसीली है ही लेकिन नाक कान का भी जवाब नहीं है बाय गॉड ऐसा मालूम होता है कि कोई आ गया आने वाले भाई पोपट लालगढ़ में नहीं है ये तो अपना आदमी अभी खत करता हूँ कमाल है यार तेरा हमेशा नो एंट्री में बगैर पार्टियां देके गाड़ी लेकर घुस पड़ता है किसी दिन तेरा चालान करना ही पड़ेगा अबे धंधे के टाइम टैक्सी कहाँ छोड़ती इतनी जल्दी कैसे चलाया भाई
क्या बात क्या है भाई, गाड़ी का रंट नहीं खा रही है, बोल तो सही। गया काम से। ए भाई ओपट, तू जो कहता था यार वही हुआ, खाज बोनेट खुल गया। खुल गया बोनेट? अपने को तो पहले ही मालूम था कि किसी ना किसी दिन इंजन की पोल खुलने वाली है। शीला मुझे कितना जलील समझ रही होगी यार, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मुझसे कुछ कह दूं। बता क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? मुंह चल के दिखाते हैं मुत्तू स्वामी को, चोकटा देखते ही खुश हो जाएगा, अपनी कल के भी दूर हो जाएगी, मेरी बात मान तू। तेरा भी जवाब नहीं यार। देख तो सही कितने बढ़िया कपड़े भेजे मुत्तू स्वामी ने। यार तू भी बस। अब कुछ तो अपनी माँ का ख्याल कर, अपने भाई के बारे में सोच, मैं कहता हूँ सबके दुख दूर हो जाएंगे। अबे अपनी हस्ती को देख, सामने वाली पार्टी को देख, कभी तो अपनी अकल का स्विच ऑन कर मेरे बाप। तेरी शादी हो जाएगी तो अपने खाने पीने का आराम हो जाएगा, जंगी की रोटियां खा खा के तो अपना पेट खराब हो गया है। ए भाई जवाब तो दे, तू मेरे सामने इतना शर्मा रहा है तो फिर बीवी के सामने क्या बात करेगा भाई? गया काम से। एक मिनट खेल, भाई आप क्या रखा है इधर? बस एक मिनट पोपट, मैं इस जगह को आखिरी बार जी भर के देखना चाहता हूं। कमाल है, जवाब नहीं नाशिकों का भी। मजनू को लैला का कुत्ता प्यारा था, भाई को म्युनिसिपैलिटी का खंबा। ऐसे पहन रखे हैं जैसे आपकी शादी हो रही है। शादी हो रही है आपकी? शीला मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं भी आपसे मिलना चाहती थी, अच्छा हुआ आप आ गए। जानते हो नरगिस क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप टैक्सी ड्राइवर हैं। उसे तो आजकल आप ही आप हर जगह नजर आ रहे हैं। शीला मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझसे क्या बात करनी है, बाबूजी तो आपसे मिल चुके हैं, जो कहना है उनसे कहिए ना, फिर आप तो हमारे घर कभी आते ही। अच्छा आज मेरी तरफ से आपकी दावत है, रात के 8 बजे आइए ना। लेकिन शीला मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी, अकेले में। तो कहिए ना, यहाँ कौन है? यहाँ सड़क पर। तो आपके घर आ जाओ। नहीं। आपके दफ्तर में? नहीं शीला नहीं। तो किसी होटल में? हाँ होटल में। कौन से? तुम्हें कौन सा होटल पसंद? मुझे तो रिजल्ट। तो रीगल में आज मेरी तरफ से तुम्हारी दावत है, रात के 8 बजे रीगल में। अच्छा मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन सुनिए, इस तरह दुल्हन के मत आइएगा वरना सब लोग आप ही की तरफ घूरेंगे, मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। अबे तेरे बाप ने भी रीगल होटल देखा है कभी? 100 से कम का फटका नहीं होगा। चल मुत्तू स्वामी घर। मगर यार आज सुबह तो 100 रुपए मुत्तू स्वामी से लाया है। नहीं मिलने वाले, ध्यान छोड़ दे। यार मेरा काम करते, मैं वायदा करता हूँ आज उससे सारी बातें साफ साफ कह दूंगा, और फिर तू जो कहेगा पोपट मैं वही करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भरोसा तो नहीं आता है लेकिन तरस आता है, और याद रख अगर कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी पोपट, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आज मैं उसे सारी बातें साफ साफ कह दूंगा। मगर ये शेरवानी पहन के मैं वहां कैसे जाऊंगा यार? फिर काशी मिली ये शेरवानी कितनी काम आएगी? अबे 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 शेरवानी लेकर आ क्या भाई, क्या करे मानक के खच्चे के दो दिन घोड़ा घोड़ा लेकर मैं बस तू तो भाई Thank you.
बोला मैं जरा कुछ कपड़ों में तो आपके कपड़ों की पसंद का भी जवाब नहीं मालूम होता है घोड़सवारी के लिए जा रहा हूँ बैठिए ना शीला मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि मैं इतनी जल्दी क्या है क्या दावत का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया खाओ कुछ भी खाओ मेरा मतलब जो चाहिए से मंगाओ आपको क्या पसंद है जो तुम्हें मंगाने में मंगाओ ना शीला अच्छा पैसे वैसे तो है ना जो पैसे हो गया यार सौकन हो तो शेरानी में रह गया शेरानी में रह गया ना अच्छा हुआ पर तू ऐसा करना यार जरा कासिम को तुम चला कासिम अली शाम को 7 बजे ही दुकान बंद कर देता है तो सुबह 9 बजे वापस खोलता है तो क्या क्या होगा क्या मैं कहता हूँ मौका अच्छा है निकल चलो नहीं पोपट मगर यार ये मेरी जिंदगी का आखिरी चांस है और सोते फिर तुमको इधर तरकीब ना जब तक मैं बाहर कोई सवारी ढूंढता हूँ फिर देर लगा दी खाना ठंडा हो रहा है खाना आ गया तुम खाओ शीला तुम खाओ मुझे तो कुछ भूख ही नहीं क्या बात है आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं नहीं परेशानी क्या बात कोई परेशानी खाना खाओ ना बिजनेस में कुछ हुआ क्या हाँ शीला हाँ बिजनेस में कुछ इधर का उधर हो गया वो तो होता ही रहता है आप फिक्र मत कीजिए खाना खाइए अभी अभी मैनेजर साहब माफ कीजिए मैं पैसे शेरवानी में भूला हूँ कल सुबह 9 बजे के बाद आपको पहुंचाऊंगा कोई बात नहीं कल भिजवा दीजिएगा शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत अभी तुम्हें खाओ ना खाइए ना आप आइए आइए आप ऐसे मेहमानों का खास इंतजाम है अब्दुल लेकिन अभी साहब ने खाना नहीं खाया हाँ तो खाना उधर खिलाया जा रहा है कहाँ उस कमरे में प्यारी लाल जी आप यहाँ खाना खा रहे हैं खाना कौन खा रहे हैं मैं तो काम कर रहा हूँ शीला बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ ऐसा भी क्या जरूरी काम है बिजनेस की बात है क्या हाँ बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है शीला बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है होटल खरीद रहे हैं बस यही समझो शीला आप तो ऐसा लगता है कि जैसे होटल का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा लेकिन आप तो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे और मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी थी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको कल घर को दावत देना चाहती थी तो मैं आऊंगा शीला कल मैं आऊंगा जरूर आएंगे जरूर आऊंगा आज की तरह तो नहीं होगा नहीं नहीं शीला हरगिज़ नहीं कल के लिए मैं कोई और इंतजाम करूंगा अच्छा तो फिर मैं चलूं ऐसे कहूं अच्छा मुझे बाहर तक पहुंचाने तो आइए तुम नहीं समझती हो शीला मैं बहुत मजबूर हूँ बाहर नहीं आ सकता अच्छा ना सही अरे तुम ना मेरी बात सुनो शीला मेरी बात सुनो Oh, my God.
मुझे शीला की दावत में जाना ना। हद हो गई, अब ये दावत में रात को जाना है, ये सुबह सुबह जाना क्यों कर दी है? तैयारी तो करनी है, मैं जरा टैक्सी लेकर जाता हूँ, शाम तक कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी। कर चुका कमाई, कल कौन सा थैला लेकर आ गया? अभी वो झंडा सिंह आ जाएगा तो उसको जवाब क्या दूंगा मैं? तू तो कह सक रहा है मर गए। आ गया झंडा सिंह, पूरा मैकेनिक के सब सामने खोल के रख देगा, कोई सुनी ले जवाब। सोच सुते में सर तक जानते में मर गए। मालूम होता है साइलेंसर निकाल कर आया, आवाज बहुत भारी है, संभालता हूँ। मर गए, आवाज बहुत भारी है। श्रीकाल वो खड़ा है, वो क्यों है पुत्रा? सवेरे सवेरे कितने याद हो रहे हैं? राजा मैरिक हुए थे तरुण, मैं भी दिखता रहा, सवा सौ रिंग मेरे चली गया। क्यों हुकुम से कितने पैसे होंगे? सारा दिन तक कुड़ियों के नाम फिरदा रही है। सरदार जी, सरदार जी, बात ये है कि नवा ड्राइवर बना है ना, इस खुशी में पैसे नहीं लिए, लेकिन घर देख कर आए, आज वसूली करेगा ना, इसीलिए तो सुबह सुबह जा रहा था बिछा चिड़िए मॉडल की किसी। तो बड़ी मेहरबानी की आपको, तो क्या अपनी पहने मॉडल लाने की सुबह सुबह फिरना सा। अरे हुकुम सिया, ऐसा सामान क्यों होगा? पूछेंगे सौ पंजाबा। अरे मगर मेहता सेठ का है, 150 का होगा, तो क्या हो गया? लेकिन वो बिगड़ जाएगा, मार डालेगा। सामान देख दे क्यों? मैंने कहा धर्मदास जी। धर्मदास जी, बाबूजी बाहर गए हैं, अगर आप तो कर्जे के लिए आए हैं तो वो आपको कल तक मिल जाएगा। अजी ये तो बड़ी अच्छी बात है कि धर्मदास जी घर में रहते हैं। दरअसल कई दिनों से मैं आप ही से कुछ बात करना चाहता था। मुझसे क्या बातें करनी है? आप बैठिए तो मैं आराम से समझाऊं। देखिए मैंने कहा बाबूजी घर में नहीं है। आपके बाबूजी तो कर्जे के लिए खामखा परेशान हो रहे हैं। दरअसल हमारे सेठ जी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहते, और आपकी ये बात बड़ी आसानी से तय हो सकती है। दरअसल उन्होंने आपको डांसिंग क्लास में देखा है, बड़ी तारीफें कर रहे थे आपकी। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सेठ जी भी बड़े खूबसूरत और हसीन है। ये देखिए उनकी तस्वीर। ये तस्वीर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि अगर आप चाहें तो कर्जा माफ हो सकता है। यहां से बहुत अच्छा, लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, अगर परसों शाम तक रुपया न मिला तो घर की एक एक चीज नीलाम करवा दूंगा। हाय हाय, तू क्यों परेशान होती है बेटी? तेरे बाबूजी हैं, चाचा जी हैं, अपने आप ही इंतजाम कर लेंगे। इतनी जल्दी कहां से इंतजाम होगा चाची, परसों शाम तक का ही तो वक्त है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अरे हाँ, तुम अपने प्यारे माल जी को सारी बातें क्यों नहीं बता देती? तुम भी कमाल करती हो चाची, उन्हें पता लग जाएगा तो क्या सोचेंगे, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। अरे अब इस घर की इज्जत और उनकी इज्जत कोई अलग अलग है? नहीं चाची, उन्हें बताना अच्छा नहीं होगा। शायद मुआ फिर आ गया, तू ठहर, मैं इसकी ऐसी खबर लगती हूँ कि इस घर का रास्ता ही खुल जाएगा। क्या जी, कौन हो तुम, क्यों आते हो इस घर में बार बार? बार बार जी, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ चाची, यही तो है प्यारे लाल जी। प्यारे लाल जी, बेटा मुझे माफ करना, मैं समझी थी मिलता है मिलता। अरे बेटी जाओ, चाहो बना के लिया। आ बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, आओ आओ, अभी अभी शीला से तुम्हारी बात हो रही थी। बैठो बैठो बैठो, देखिए। और मुझसे डरो नहीं, मैं शीला की चाची हूँ, ऊपर रहती हूँ ऊपर। हाँ देखिए, मुझे रात को आना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी थी। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी थी। देखो पैसा रुपया बड़ी बुरी चीज है, आज मेरे पास कल तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो क्या तुम बुरे आदमी हो जाओगे? जैसे शीला के पिताजी हैं, इतने शरीफ अच्छे आदमी है, लेकिन पैसे रुपए से लाचा। पैसा? हाँ। तो क्या शीला के पिताजी अमीर होंगे? हमीर, 5,000 रुपया कर्जा है, कर्जा 5,000। हाँ,
तुम्हारे लिए तो 5,000 रुपया कोई चीज नहीं, और बाप बेटी शर्म के मारे तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है कि परसों शाम तक 5,000 रुपया मेहता का कर्जा नहीं चुकाया गया तो इस घर का सारा सामान नीलाम हो जाएगा। सो बेटा, अब इस घर की इज्जत ये तुम्हारे मुट्ठी में है, किसी भी तरीके से परसों 3 बजे तक 5,000 रुपया का इंतजाम कर दो। कर दोगे ना? शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन उसे कुछ भी नहीं करना। बेटी, मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा। अरे, ये तो मुझे देखते ही डर गए। लड़का बुरा नहीं है, परसों फिर आने वाले हैं ना। शीला, तुमने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। शीला, क्या तुम मुझे गैर समझती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शीला, किसी की क्या मजाल है कि मेरे होते हुए तुम्हारे खानदान की इज्जत से खेले। 5,000 रुपए तो क्या शीला, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। मैं तुम्हारी मुसीबत को दूर करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। शीला, मुझे भरोसा रखो। आप जो काम भी कहेंगे वही करूंगा। दिन रात मेहनत करके मैं आपकी कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। छोटा सा एहसान है सेठ जी, आप ये एहसान मुझ पर कर दीजिए। मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? अरे करम फूटा, तेरे बाप दादा मेरी कभी 5,000 रुपया देखा था? उठाई गिरे, चले आते हैं। जाओ सरदार जी, कुल 5,000 रुपए की बात है। आप किसी तरह मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ, मैं जिंदगी भर आपकी टैक्सी चलाऊंगा। अपनी टायर को नहीं लेना है, जिन्होंने टैक्सी अंदर पूरा दिन सैल कराता रहना। ये पाना मुझे उसने दिया था जिससे मैंने काम सीखा था। मेरे लिए 1,00,000 रुपए की चीज है, इसे दांव पे लगाता हूं। बोल, तेरे लिए कितने का है? 4 आने का। जंगी 4 आने से नहीं खेलता। मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करता रहूंगा। अरे, तेरी गुलामी मैं लेकर चाटूंगा क्या? वादा कर, अगर हार गया तो मैना को लाकर मेरे हवाले कर देगा। मगर मुझे तो मालूम ही नहीं कि मैना है। मुझे मालूम है कहाँ है। बोल, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। कह तो दिया मंजूर है। शाबाश, तो जंगी को भी मैना के लिए सब कुछ मंजूर है। ये देख, और ले, और ले। पूरे 500 रुपए, एक ही दाव में हार जीत। लेकिन जंगी को जीतने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। जंगी से जीतने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ले भाई। ये क्या करा भाई? ठहर जा पोपट, ये मेरी जिंदगी है, मौत का सवाल। मैदान माल संभालो और घर चलो, ये पाना भी नहीं, निकल चल। मगर पोपट, मुझे तो 5,000 चाहिए। बाद में, बाद में। तुमसे भी जीतने वाला पैदा हो गया। ए राजू, क्यों तू? राजा, क्या बात? राजू, तुझे रुपए की जरूरत है और मुझे मेरी मैना की। आज तेरा सितारा बुलंदी पर है, मेरे साथ चल, दोनों का काम बन जाएगा। प्यारे लाल गुट्टा का जुआ खाना में। प्यारे लाल गुट्टा जुआ भी चलाता है क्या? अरे वो क्या नहीं करता, मेरी मैना तो भी वही ले गया है। चल चल, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। मत जाना, मैं कहता हूँ हार जाएगा। नहीं पोपट, मुझे किसी तरह भी 5,000 रुपए चाहिए। मगर इस तरह नहीं मिलने वाले भैया। हट जा बादशाह, हट जा। भैया हट जा, भूल गया। नंबर 3 है।
अब भी मैना को मेरे हवाले कर दे वरना इस अड्डे से भी हाथ धोने पड़ेंगे। आज मेरे दोस्त का सितारा बहुत बुलंद है। ए, ला माल ला। जल्दी ला शेर शेर। मास्टर मुंह क्या देखता बे, चला चक्कर। का खेल है जंगी। लगा क्या लगाता है, एक ही दांव में फैसला हो जाएगा। एक ही दांव में, एक ही दांव में। प्यारे लाल अगर तू हार गया तो मैना भी इसके साथ चली जाएगी। मंजूर है। अच्छा शायद तू यहां का कायदा नहीं जानता। जिसे मैं खेलने के लिए कहता हूं वो इनकार नहीं कर सकता। लगा मेरा खरीदाओ, अगर जीत गया तो सम्मान ले जाना। राजू लगा ले, अबे लगा ले, यह खरीदाओ है, जिंदगी भर ऐश करेगा। नहीं जंगी नहीं, मान जरा कहना राजू, मैं कहता हूं यह आखिरी दाव है, आखिरी दाव। आखिरी दाव है। नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। तेरे हाथ में आज खामियां दिया, जीत
पिता चला ही जाऊंगा भाभियों के भाभियों बढ़के पूरा अरे हो कि सच्ची है तेरा सितारा और जो भर है सुनती ही पसंद डर से नम लगा भी ले एक तेरी जिंदगी का है ये आखिरी दांव आखिरी दांव डर से नम लगा भी ले सितारा बुलंदी पर है तो ये शरीफ आदमियों की जगह है बदमाश कमीने तू दाव हार गया है सारे रुपए मेरे हवाले कर दे नहीं तो मैं तेरा गला काट दूंगा चंगी से टक्कर लेना आसान नहीं है पहले लाख मेरे रुपए लौटा दे नहीं तो मैं Oh,
જુઓ છે સચ પૂછો તો 4.5 જાતિ વધુ મને પરવડે તેમ નથી પણ તમ કહેતે હો તો તમારે ખાતર 5000 પણ માલ જલ્દી સે છોડા કર લે જાણા હો યે મેરી બચ્ચી કી અમાનત હૈ સેઠ જી જબ તક છોડાને ન હો મુજે ચેન નહી મિલેગા મે બહુત ચલ લે જાઉંગા બહુત ચલ લે જાઉં रुपया पैसा गिनना नहीं चाहिए क्या हर तरह के लोग होते हैं के 24 मिनट 5000 रुपया कर्जा है कर्जा अब वो तुम्हारे लिए तो 5000 रुपया कोई चीज नहीं कि परसों शाम तक 5000 रुपया महिला को नहीं चुकाया गया तो इस घर का ये सब सामान नीलाम हो जाएगा शीला शीला ये रुपए मैं ले आया हूँ अरे तुम तो सचमुच ले आए लेकिन अब हमें इसकी जरूरत नहीं है बाबूजी ने इंतजाम कर लिया है वो इसी सिलसिले में बाहर गए हैं अभी आते ही होंगे तुम बैठो मैं आई शीला लेकिन ये रुपए मैं तुम्हारे लिए लाया तुम्हें रुपए लेने होंगे शीला अरे तुम तो इस तरह से डांट रहे हो जैसे मैंने कोई जुर्म किया है जुर्म जुर्म से क्या मतलब तुम्हारा जुर्म की बात कौन कर रहा है शीला तुम जानती नहीं हो कितनी मुश्किल शीला ये रुपए तुम रख लो भगवान के लिए अपने पास रख लो तुम जो चाहे सो करना इन्हें दान दे देना शीला मैं जा रहा हूं सुनो नाराज होकर जा रहे हो तुम नहीं जानते बाबूजी चाची पर इतना गुस्सा हो गए थे क्योंकि उसने तुमसे रुपए की बात की और मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी अभी बाबूजी आते होंगे उनसे मिलकर जाना आप बैठो बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ Thank you.
ए मिस्टर, ये रुपए यहाँ छोड़कर चोरों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो? बात ही तुम बहुत जिद्दी हो, कह तो दिया हमें इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ तक आए हो तो बाबू जी से मिलने बदल जाओगे? शीला मुझे बहुत जरूरी काम है आज, मैं तुम्हारे बाबू जी से फिर मिलूंगा, फिर कभी मिलूंगा शीला। मैं जानता हूँ श्रीमान, कहीं दुनिया में चला जाए तो कितना दर्द होता है, आखिरकार ये तो 5,000 रुपए है, मगर कहीं भी वो बदमाश मुझे दिख पड़ा तो फौरन ही पुलिस के हवाले कर दूंगा। शीला, शीला, हाँ हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? 5,000 रुपए की पाकिट किसी ने, आप लोग फिक्र न करें, मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, मैं उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह पहचानता हूँ, मैं उसकी तस्वीर बनाऊंगा, पुलिस वालों को दूंगा, मैं अभी उसकी तस्वीर बनाऊंगा। क्या हो गया भैया? अजी साहब रेल के डब्बे में बैठे हुए रुपया गिन रहे थे। अच्छा, मैं सामने ही बैठा था, मैंने फौरन ही समझाया कि यहाँ रुपया गिनना जायज नहीं, नहीं माना, आखिरकार किसी ने जेब काट ली। दिन दहाड़ी ये किस्सा गजब हो गया। आखिरकार देखिए एक काम करें। क्या शीला के बाप की जेब काट दी? अबे जिसकी मदद करना चाहते थे उसी का सफाया कर डाला, बहुत अच्छे। तुम जैसे जुआरी से और क्या उम्मीद हो सकती है, कल रात को जुआ खेलते रहे, आज जेब काट दी, कल किसी का खून करके फांसी का फंदे पे चढ़ जाना। तुम जैसे दोस्त से तो बाद आए। पोपट मेरी मदद कर दिया, मैं तो अगले किसी तरह मुझे दिखा नहीं सकता, और तुझे शीला का पता बताया तो ये रुपए तो किसी तरह उनको पहुंचा दे। तो चोर को मोर मिल गया। पोपट, पोपट ये रुपए किसी ने किस तरह पहुंचाने होंगे, तो नहीं जानते पोपट इन रुपयों की कितनी सख्त जरूरत है, लेकिन मैं क्या करूं? पोपट, पोपट तुम तो मुझसे स्वामी क्या ले चल, मैं उसके लड़के से शादी करने को तैयार हूं। राजू, तू अपने आप को बेचना चाहता है? मैं उसके यहां नहीं ले जाऊंगा, तो मैं खुद उसके यहां जा सकता हूं। राजू, अयो ऐसा कैसा होगा जी, शादी के पहले मैं पैसा नहीं दूंगा। मगर मैं शादी करने को तैयार हूँ। राजू है तो चुप रहे यार, मैं शादी करने को तैयार हूँ, निकालो 5,000 रुपए निकालो। अयो 5,000 रुपये? अजी जी पोपट क्या बोला सर, 2,000 रुपए में शादी करता सर। राजू तुम चुप रहे यार, मगर मुझे स्वामी 5,000 के बगैर मेरा काम नहीं कर सकता, मैं आज शादी करने को तैयार हूँ। आज ही शादी कर गए? अच्छा जी, ठहरो जी, मैं अनारकली से जाकर सिलवा लेकर आता था। ठहरो, तो मेरी बात मान, वापस कर लो कदम। मैं क्या जी, सुन दो मान, ये मैं मान नहीं दू। सुनो जी, तुम्हारा भी नहीं जी, हमारा भी नहीं, 3,000 में तय करा दिए। 3,000? मगर मुझे स्वामी 5,000 के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। अयो यो चांद के वादे से भी तुम्हारा भाव डर गया सो। अच्छा जी सर, ठहरो जी ना। अयो दोनों इंगे, वाह वाह वाह, नहीं वाह, अयो यो क्या जी, सुनिए सदके जाओ। प्यारे लाल जी अंदर है? जी हाँ है तो सही, लेकिन बिजी है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, बैठिए। सुनिए, उनसे कभी शीला उनसे मिलना चाहती है, प्लीज मुझे बहुत जरूरी काम है। अजी आप कुछ प्राइवेट बातें कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन आई एम सॉरी। धर्मदास की बेटी शीला आई। शीला? जी हाँ, बाहर इंतजार कर रही है। देखिए काम कर, तू इन लड़कियों को यहाँ से चालू कर दे और खुद भी दफा हो जा। चला तू सरकार। पांडे यस सर। वो जो पार्सल बाहर आया ना, उसे अंदर भेज दे। ओके। सुनिए, जाइए अंदर, बुला रहे हैं आपको।
देखो मैं इसलिए आई हूँ कि तुम तो अभी तक नाराज हो। मुझे क्या पता था कि बाबूजी की जेब फट जाएगी, वरना सुबह ही तुमसे रुपया ले लेती। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, एक तो पहले ही मुसीबत में थे और आज तुम तो जानते हो आज ही शाम को वो मेहता आने वाला है। बहुत ही बुरा आदमी है, पता है एक दिन वो किसी बदमाश की तस्वीर उठा लाया था, कहने लगा अगर मैं उससे शादी कर लूं तो सब कर्जा माफ कर देगा। ये तुम्हें हो क्या गया है, एक बार मेरी तरफ देखो। जी हाँ फरमाइए, मैं सब सुन रहा। लेकिन मुझे तो प्यारेलाल जी से मिलना है। ओ, आपको प्यारेलाल जी से मिलना है? प्यारेलाल डी गुप्ता से मिलना है आपको? जी हाँ। आई सी, आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। जी मिस्टर प्यारेलाल डी गुप्ता अंदर मिलेंगे आपसे। कहाँ है प्यारेलाल जी? असली या नकली? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि थोड़ी देर के लिए मुझे प्यारेलाल समझ। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं असलियत है, मेरा ही नाम प्यारेलाल गुप्ता है। जिसे तुम प्यारेलाल समझ रही हो वो एक मामूली मोटर मैकेनिक नहीं, वो आवारा है, खूनी है, जोरा लफंगा है, जो मेरी मोटर लेकर मेरे ही नाम से तुम्हें धोखा देता रहा। नहीं, ये सब झूठ है, गलत है। झूठी थी। इस वक्त तुम्हें रुपयों की जरूरत है और मैं तुम्हारी हर मुसीबत दूर कर सकता हूँ। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 झूठ है कि हुआ। अरे बेटी कहाँ चली गई थी? अभी अभी प्यारेलाल जी का आदमी आया था। प्यारेलाल जी का आदमी? हाँ, और 5,000 रुपए दे गया। 5,000 रुपए? ये देख 5,000 रुपए, और ये तेरी चिट्ठी छोड़ गया। मैंने बड़ा मना किया लेकिन वो माना ही, इसलिए मैंने बतौर कर्ज ले लिया। शीला, किसी खास वजह से मैं खुद नहीं आ सकता, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। आज 4 से 5 तक मैं उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना। तुम्हारा ही प्यारेलाल। बाबूजी, समझ में नहीं आता दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, हम तो दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा देते हैं। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, लेकिन मुझे इस वक्त बाहर जाना है। शीला, ना ठहर जा, उस पॉकेट मार का स्केच तैयार हो गया है तो साथ में लेती जा। रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ता है, वही दे देना। मैंने थाने में रपट लिखा दी है, बस वो सब समझ जाएंगे। ये ले। वो आ गए। मैं कहता हूँ मान जा, मत बता, बेचारी का दिल टूट जाएगा। नहीं पोपट, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसको धोखा नहीं दे सकता। अच्छी बात। ले जाने का इरादा है क्या? तुमने हमें रुपए भेजकर हम पे इतना एहसान किया है कि हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बाबूजी तो बेहद खुश हैं। अरे हाँ, आज मैं तुम्हारे दफ्तर गई थी, न जाने तुम्हारे कमरे में कौन आदमी बैठा था, शायद तुम्हारा मैनेजर होगा। इतना खराब है वो आदमी, इतना खराब है, बदतमीज कहीं का। वो तो तुम्हारी भी बुराई कर रहा था, कह रहा था कि असली प्लान वो खुद है और तुम एक मामूली मोटर मैकेनिक हो। मोटर मैकेनिक हो तुम? अगर होते तो इतनी सारी रुपए कहाँ से ले आते? हाँ, किसी की जेब काट ली हो तो बात अलग है। किसकी जेब काटी है? अरे हाँ, पता है आज सुबह बाबूजी की जेब कट गई, लेकिन बाबूजी तो पेंटर है ना, उन्होंने उस चोर की तस्वीर भी बनाई है। पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ और पुलिस वाले इसे हर जगह भेज देंगे। चोर एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, फिर
और हम तुम्हारे सारे रुपए वापस कर देंगे। ये देखो। तुमने मेरे बाबूजी की जेब काटी, तुमने मदद क्यों? शीला मैं तुमसे यही बात रोको गाड़ी। मेरी बात सुनो शीला, ये सब बातें मैं तुम्हें मिलना चाहता था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहती हूँ रोको गाड़ी। मेरी बात सुनो शीला। भाभी आपने खाम खाम ने भेज दिया, फिलहाल तो चिंता दूर हो गई। भैया आप चुप रहिए, हम लोगों ने जो कुछ किया ही है। लेकिन बेचारे मजाने कहां कहां टक्करे खाते फिरेंगे। अरे बेटी तू आ गई, वो तस्वीर पुलिस स्टेशन में दे दी। आज तो अपनी इज्जत रह गई। तेरे जाने के बाद मेहता आया था, मैंने सारे रुपए उसके मुंह पर मारे। बरसों के बाद कुछ चिंता दूर हो गई। प्यारे लाल जी ने जो हम पर एहसान किए हैं, हम जिंदगी में उसे कभी नहीं भूल सकते। अरे बेटी तूने तस्वीर पुलिस को नहीं दी? बाबूजी वो देने से फायदा भी क्या था, पैसे तो आपको मिलने वाले नहीं थे। शीला तुम क्या कह रही हो? बाबूजी मेरा ख्याल है हमें ये शहर छोड़ ही देना चाहिए, हम यहाँ रहने के काबिल नहीं। चलिए वहीं जाए जहां से आए थे। शीला ये क्या बचपना है, तुम ऐसे आदमी पर रहम करना चाहती हो जो रहम के काबिल नहीं? ये तो बहुत बुरी बात है बेटी। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल तुम्हारी मां की तरह नरम है, लेकिन बेटी ऐसे लोगों से हजारों घर तबाह हो चुके हैं, इन्हें कभी नहीं माफ करना चाहिए। अगर तू नहीं जाना चाहती तो मैं खुद जाता हूं। बाबूजी ऐसे समाज के दुश्मनों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। देखिए बाबूजी आप, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं खुद दे आती हूँ। देख तस्वीर को पुलिस को जरूर दे देना, कहीं फेंक मत देना वरना मुझे दूसरी तस्वीर बनानी पड़ेगी। वांगा वांगा चलो अंदर लड़ेंगा। है वांगा हो तुम आ गए चाची। यहां आती कितने टूट गया जी, मेरी तो इधर हो रहा था, बुरा हाल हो गया। क्यों थी लड़की को पहले तैयार करो ना, इनको लेकर चलो। लेके चल लिए चला जी, चला चला जी। अयो तुम क्या जी घर पास हो? जयपुरा जी शादी का तैयारी होते थे, रात का 9 बजे का मुहूर्त। मुक्त स्वामी मेरे पास अगर 5000 रुपए होते ना तो मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह पर मारता। अयो शुरू करो ना, अशुभ क्या बोलते सो कोने में चले जी। आला कोने ना जी चलो साथ अपना छोड़ चले, हम सफर साथ अपना छोड़ चले,
रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले हम सफर साथ, सफर साथ अपना छोड़ चले हम सफर रास्ता साफ था तो चलते रहे साथ हंसते रहे मचलते रहे मोड़ आया तो मुझको मोड़ चले हम सफर तस्वीर भेजी है जेब कतरे की अंदाज में जी हाँ आई सी मिस्टर शिंदे सर जो आदमी सुबह गोली बंदर से रुपया छीन के भागा था जिसकी तस्वीर इसकी कापी बनाकर फौरन हर पुलिस स्टेशन में पुलिस चौकी को भेज दी जाए बहुत अच्छा अपने पिताजी से कहना कि जैसे ही मंजुम का पता लगेगा हम उन्हें इतला देंगे बहुत अच्छा मिस्टर शिंदे सर भला जो आदमी कितने बजे रुपया छीन के भागा था 9:25 Yes, 9:25. सर ये लड़का कहता है गैराज लेन में मैंने बाइक के कोठे पर जंगी होटल वाले का खून हो गया खून कितने बजे मेरे को मालूम नहीं सर मुझे अभी अभी पता लगा लाल भी उधरी पड़ी है आई सी तुम इस लड़के के साथ जाओ इंक्वायरी करो मुझे फोन रिपोर्ट यस सर बस अब आ रहा है नीचे से डॉक्टर साहब को बुलाओ अच्छा लास्ट को किसी ने छुआ तो नहीं सर इसका पता कब चला
शाम को 6 बजे। ऐसे मालूम होता है किसी तेज औजार से खून किया गया। ये क्या चीज है? ये राजू की टोपी है सर, और ये पानी भी इसी की है। कौन राजू? राजकुमार मैकेनिक, जो दादर गैरेज में काम करते हैं। यस, लाश बरामद हो गई। गुड। डॉक्टर की राय में फोन कितने बजे हुआ है? 9:30 बजे। यू मीन 9:30 AM। 9:30 AM मर्डर एट दादर। और कुछ? व्हाट? टोपी और स्पैनर? जी हाँ, ये दोनों चीजें लाश के पास ही मिली हैं। तफ्तीश जारी है, लेकिन डॉक्टर को यकीन है कि मरहूम का खून उसी स्पैनर से किया गया है। और ये दोनों चीजें राजकुमार सक्सेना नामी एक मोटर मैकेनिक की है, जो दादर गैराज में काम करता था। हमें शक है कि राजकुमार सक्सेना ही जंगी होटल वाले का खूनी है, क्योंकि काफी तलाश के बावजूद राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार और उसका एक दोस्त पोपटलाल शाह गैराज के ऊपर एक कमरे में रहते थे, और कल रात से दोनों फरार हैं। जी जी हाँ, पोपटलाल शाह भी फरार है। दोनों को तलाश किया जा रहा है। चुकी का खुद और नहीं तो क्या, पुलिस तेरा पीछा कर रही है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा गया। मगर पोपट, मैंने जब भी खून नहीं किया है। तूने खून नहीं किया? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मगर पुलिस को तेरा स्पेनर और टोपी लाश के पास से मिली है। अब तेरी बात का कौन यकीन करेगा? राजकुमार सक्सेना कहाँ है? क्या काम है? उस पर खून का इल्जाम है। उस पर एक आदमी अंदर लेके गया जी, मेरा शादी करने के बाद है। हजूर यहाँ पे कोई भी नहीं है। कैसे नहीं, अच्छी तरह जाकर देखो, वो जरूर कहीं छुपे होंगे। जाओ दोबारा देखो, तुम भी जाओ। कमल मेरे साथ। अरे नमस्कार, शादी होता है जी। अगर जाइए बाबत राजकुमार के साथ। अरे मगर हम तो अरे मगर हम तो मतलब हमारे लगन होता है, ऊपर नहीं है लगन। अरे मगर हम किसी राजकुमार को नहीं जानता है, हम तो मद्रास से। ये लोग जबरदस्ती हमको लगन मंडप से उठा के लेकर आए जी। हमारा नाम अयंगर, हमारे बाप का नाम शेंगर, उसके बाप का नाम छटोप। तलाशी लो इसकी। लो तलाशी, हम चोर दौड़िए। देखो सब जगह दे, देखो जी तुम। तो तुम मद्रासी हो? नहीं। तुम्हारा नाम पोपट नहीं है? नहीं। तुम राजकुमार सक्सेना को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। बंद कर दो इसे हवालात में, सुबह तक होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे वाह, ये सर बंद कर दो हवालात में, करे कौन करे कौन, वो नहीं मिला तो इससे बंद कर दो। हवालदार तुम का क्यों नहीं समझता है, लेकिन तुम भी अपना आदमी की तरह है। राजू, आखिर तूने मुझे हवालात का भी मुंह दिखला दिया। नहीं आ, आ, क्या ये खतना, वो इतना डबल नहीं, छोड़ दो, किसी और को खाएगा, मैं तो आज छूट जाऊंगा। अरे बिटिया कहाँ चली गई थी? बड़ी देर लगा दी, वो कब से अंदर बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। प्यारे कैसा जमाना आ गया है प्यारे लाल जी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। अरे आजकल तो जो भी हो जाए कम है। अरे शीला बेटी, तुमने कुछ सुना? आज तक जिस आदमी को तुम प्यारे लाल समझ रही थी, वो तो पक्का 420 निकला। उसने आज तक तुम्हें भी धोखे में रखा। असल प्यारे लाल जी तो ये है, वो तो एक मामूली मोटर मैकेनिक है। हम तो नीचे लेकर आए थे। आप लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो किसी अच्छे घर का लड़का मालूम होता है। जरा सोचो तो, कोई ऐसा वैसा होता तो चट से 5,000 रुपए का इंतजाम कैसे कर देता है? अभी क्या भरोसा ऐसे वैसों का, जेब काट लाया होगा किसी की। हाँ, जेब काट लाया होगा। छोड़िए चाचा जी, बेचारा कहीं ना कहीं से इंतजाम करके लाया ही होगा, लेकिन उसके रुपए तो लौटाने होंगे।
नहीं बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे आपका अल्लाह कीजिए, अब तो आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर अब भी आप शीला की शादी उस मैकेनिक से करना चाहें तो ये मेरी तरफ से प्रेजेंट समझ लीजिए। ये 5000 रुपया देने का मतलब समझे, ये शीला बिटिया से शादी करना चाहता है। लड़का है, हमें लड़का पसंद है। लड़का पसंद है जैसे दिया है तो हम के कर क्या, पहले बिटिया से पूछा। तो बिटिया से कहा पूछी, और फिर ब्याह हम को बदमाश छोर के साथ छोड़ करे, तुम ये खानदानी लड़का हो, खानदानी खानदानी खानदान का जीवन पत्र तो नहीं लिखा है। अब तो चुप रह, तू चरखा पढ़ाई। शीला बेटी, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के, इसमें तुम्हें कुछ कहना है? नहीं बापूजी, कुछ भी नहीं। मैना! सातवीं मंजिल है मैना भाई, गिर जाओगी तो हड्डी पसली का भी पता नहीं चलेगा। अजी वो तो हम ही तुम पे मेहरबान है, वरना प्यारे लाल जी का तो यही हुक्म था। तुम लोग मुझे यहाँ नहीं रोक सकते, मैं सबको बता दूंगी, मैं पुलिस को बता दूंगी, प्यारे लाल ने जंगी का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंस्पेक्टर सर, फूफड़ ने कुछ बताया? नो सर, यह आदमी बहुत चालाक मालूम होता है सर, इससे पहले भी एक मरता पुलिस के हाथों से भाग चुका है। ओह आई सी, अब मेरे ख्याल में अगर इसे रिहा कर ले जाए तुझे सीधा राजकुमार से मिलने जाएगा। बहुत मुमकिन है सर। तो फिर ठीक है, इसे फौरन रिहा कर दो और पांडे से कहकर नहाय पहुंचारी से उसका पीछा करें। हवलदार वो चाकर क्या हुआ बताता हूँ, ठहरो। चलो निकलो बाहर। छुट्टी? एकदम छुट्टी। वेरी गुड, वो चार टेंपल कर देंगे। हाँ चलो बाहर। ए उधर गिर जाता है। अंदर मैं आ रहा हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं है। चल चल बाहर निकाल। क्या मुसीबत है, जब मैं आना नहीं चाहता था तो जबरदस्ती लाके बंद कर दिया, और मैं जाना नहीं चाहता हूं तो जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हो, और वो भी भक्ति से पहले। पब्लिक प्लेस इसलिए बैठता है, यानी बैठेगा बैठेगा। चलो अपने कहते हैं, चलो उठो। सरकारी मेहमान होता ये लोग किधर है? जवाब नहीं है तुम्हारा, यहाँ बैठ के ऐश कर रहे हो, और मैं रात भर हवालात में खटमल मारता रहा। क्योंकि तुझे पुलिस ने पकड़ लिया। और ये तो क्या, रात भर बैठ रखा और सुबह भत्ते के टाइम टिकट दे दिया भाई लोगों ने। ये 500 माल खर्चा करके लेकर आए हो, ये देख तेरी दोस्ती अपने को पिटवाएगी किसी दिन। ए भाई मेरी बात मानता है तो पुलिस स्टेशन में जाके बोल दे कि 10 तारीख को 9:25 तो तूने जेब काटी तो खून का इल्जाम साफ। मैं पुलिस चौकी गया था यार, फिर उन्होंने मुझे पॉकेट काटने का इल्जाम नहीं पकड़ा। क्यों? इसलिए कि शीला ने मेरी तस्वीर बदल दी। तो इसका मतलब ये कि छोकरी तुम्हारे साथ अभी तक है। मतलब मैं ये कैसे साबित करूंगा कि मैंने खून नहीं किया? क्या कैसा आपका ले माधरा, 9:30 को खून हुआ, 9:25 को इसने पॉकेट काटा, गुजराती भी मिक्स कर रही है। 9:30 को खून हुआ परेल में, 9:25 को तूने जेब काटी बोरी बंदर पे। पुराना का है, सोचने वाली बात है। सबूत क्या भाई? कोई सबूत नहीं। तो इसका मतलब ये कि खून के इल्जाम से तुम नहीं बच सकते। Thank you.
लेना चाहता हूँ। कौन आदमी सर? वही जिससे तेरी शादी होने वाली है। वो इधर नहीं है साहब, वो चला गया अपने घर गया। अपना घर चला गया? कहाँ उसका घर? वो बहुत दूर है सर, परेल में। परेल में? तो जानती हूँ वहाँ खून हुआ। कौन? देख छबेली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तू झूठ बोलेगी तो मुसीबत में फंस जाएगी। मुझे अभी मालूम हुआ उस आदमी का नाम प्यारेलाल नहीं बल्कि राजकुमार सक्सेना, वो एक खूनी है। नहीं, नहीं। और तू जानती नहीं खूनी को घर में छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। किसी का खून नहीं कर सकता, वो पहला जो मरा ना वो दूसरे को क्या मारेगा सर? अच्छा तो राजकुमार सक्सेना परेल गया? नहीं, हम राजकुमार को नहीं जानता, वो प्यारेलाल। चलो मेरे साथ पुलिस चौकी। पर काम का टाइम है सर। पकड़ो मत। शंकराम सारी बस्ती में उस आदमी को तलाश करो। चलो जल्दी करो। नारायण तुम इस घर पर निगाह रखो। चलो। अरे ये तो मेरी सहेली को पकड़ के ले जा रहे हैं। ए भाई कोई बंदोबस्त करना वरना तेरे लिए मेरी छबीली पहुंच जाएगी। तू कहाँ जा रहा है? पुलिस देखेगी तो सीधा फांसी का मतलब मुझे देगी। अब तो तुझे दुनिया में सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। कौन? जिसकी तूने जेब काटी थी उसके पास पहुंच जा, वो खुद बयान देगा और तू फांसी के फंदे से बच जाएगा। पोपट। ए भाई साहब ये गाड़ी वाला किधर गया? कहीं बाहर गांव गयला है लड़की की शादी करने। लड़की की शादी किसके साथ? अब उनको क्या मालूम, सुना है कोई प्यारे लाल गुप्ता है। मर गए। मर्डरर्स अरेस्टेड। सुनो जो पुलिस अरेस्टेड है। शीला, शीला, ला देख तो देखी जिस आदमी ने गोली बंद कर मुझसे रुपए छीने थे उसको फुलफॉर्म में खून कर जाने का पास। हाँ लेकिन उस दिन वो 9:25 पर गोली बंदर में था। समझ में नहीं आता 9:30 दारू खून कैसे कर सकता है। पुलिस वालों को जरूर धोखा हुआ है। लेकिन बेटी मैंने तो उसका स्केच भी दिया था तुम्हें। हाँ बाबू जी वो स्केच मैंने बदल दिया था। बदल दिया था क्यों? ये मैं बाद में बताऊंगी। अब सारे चल कर पुलिस को अपना बयान दे दीजिए वरना एक दो दिन आदमी फांसी पर चढ़ जाएगा। चलो बेटी। आइए बाबूजी। मैं नहीं चाहता आप लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटें, इसमें मेरी बदनामी है। लेकिन एक आदमी की जान खतरे में है। ऐसा आदमी जी के भी क्या करेगा और दो चार खून और कर डाले। वो आदमी खून नहीं कर सकता। हाँ बेटा उसने जेब काटी थी। खैर आप जाना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकता। अब पहले शादी हो जाए तो आप शौक से चले जाइएगा। वो फांसी पर लटक जाएगा और आपको शादी सीख रही है। तुम मतलब दो कौड़ी के मकान से प्यार करती हो? प्यार? जब तक ये शादी ना हो जाए आप लोग इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। जल्दी करो राजू की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन शादी से पहले मैं अपने होने वाली बीवी को जाने के सिवाय लाल मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शीला तुम क्या कह रही हो? अपने आप को मिटाकर अगर मैं उसकी जिंदगी बचा सकती हूँ तो जरूर बचाऊंगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ अभी इसी वक्त। लेकिन अब मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा चाहने वाला फांसी पे लटक जाएगा, उसके बाद इतनी नाम से शादी करें क्या नाम? अरे तू इधर इस बैठेगा कि दोस्त को बताएगा? तू इधर खैर मैं भी सोच रहा हूँ। पर काय सोचता है? छबीली मेरा दिल कहता है कि जंगी का खून उसके अड्डे पर नहीं बल्कि प्यारे लाल गुप्ता के अड्डे पर हुआ है। और जिस वक्त खून हुआ है उस वक्त वहाँ मैना भी मौजूद थी। अगर मैना का पता चल जाए तो खूनी का पता चल जाए। मैना? वो नहीं आनी। तू से पहचानती क्या? अपन उसको देखा तो नहीं। एक दिन कपड़ा खोलने को गया था तो उधर बहुत आदमी पीएला बैठा था। मैना मैना बोलता था।
अंदर से छोकरी का आवाज भी आ रहा था। कौन सी बिल्डिंग है? ऐसा तुमको मालूम नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। थोड़ा ठहर, मामला खतरनाक है, कोई तरकीब लगा के चलना पड़ेगा। तरकीब तरकीब तरकीब। ये है ना, ये मेरे चाचा की फोटो है। अरे कौन है तू? तू हमेशा नशे में भूल जाते हो, तेरा पास आकर देखो ना। अरे जरा घूंघट तो हटाओ, मुखरा तो देख रहा। मुखरा बाद में देख लो, पहले अंतर दिखो। चलो अंदर। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जंगी का खून राजू ने नहीं बल्कि प्यारे लाल गुप्ता ने। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो मैना से पूछ लीजिए, इसका तो आंखों देखा वाक गया है। प्यारे लाल गुप्ता एक नंबर का, माफ करना, प्यारे लाल गुप्ता एक नंबर का बदमाश आदमी का कोई भरोसा नहीं है। ये पक्का 420 है, उस रोज मद्रासी बन के आ गया था। और अब देख लीजिए, उस दिन की बात और थी इंस्पेक्टर साहब, आज की बात और। तुम समझते ले जाओ सबको, बंद कर दो। अरे मैं, मुझे अगर बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, देखना फांसी का पंगा निकल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। अरे बंदा तुम सुनो तो सही, बेगुनाह को बचाने की बात है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, इंस्पेक्टर साहब। और अब मैं अदालत के सामने चंद ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूँ जिनके बयानात से मुलजिम के मशकूक चाल चलन का अंदाजा लग जाए। मेहता चंपतलाल रूड़मल। ये मेरे यहाँ नौकरी करता था लेकिन कभी टाइम पर नहीं आया, और हुजूर मेरे ही ग्राहकों की गाड़ियां लेकर ये आवारा गर्दी किया करता था। इस आदमी पर मुझे कोई भरोसा नहीं, ये सब कुछ कर सकता है। हो सकता है सरकार की ये खून भी इसी ने किया हो। रूबिन डिकॉस्टा, तुम इस आदमी को जानते हो? जयंता साहब, अपना सूट दोगन को प्रेस करने को दिया, उधर से लेकर उस भाग गया। ये पहला नंबर का चोर है साहब, अपन अपने को बैंड बजाने बुझाने का था, 100 रुपए का फुटका हो गया अपने को। मुत्तुस्वामी चाठिया, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? आइए यो, क्या पूछते जी, ये बड़ा 420 ये मेरे बच्ची से शादी कर तो बोल के 5,000 लिया, तो ये खूनी से शादी नहीं हुआ, अच्छा हो गया मेरी बच्ची बच गई, आज मेरे 5,000 दिलवा दो जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, नमस्कार। अरे अरे, तुम सब लोग कहां घुसे चले आ रहे हो? हाँ तो सरदार झंडा सिंह, तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? हजूर है, मेरी टैक्सी जो मुकुटिया ने मुख साल कराना रहा, जब मैं सामान चुके ला गया, पता नहीं कितनी जेब कट गया, मैंने पैसे दे गया, एक नंबर का लोफर चे, इधर मेरे यार जंगी का खून है नहीं किता, इन फांसी चलाना चाहिए। और मुलजिम इस बात का कोई माकूल जवाब नहीं दे सका कि वो उस दिन 9-10 के दरमियान कहां था और क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात क्यों नहीं सुनते?
मैं सच कहता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया तो एक बेगुनाह आदमी फांसी के फंदे पर लटक जाएगा। मुझे असली खूनी का पता है। सुनो, तुम सुबह से कान खाए जा रहे हो। जब तक आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करोगे मैं कान तो क्या भेजा भी खाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब, कर्नल साहब, कर्नल साहब, मेरी बात का आप यकीन कीजिए, मुझे असली खूनी का पता है। उसका नाम है प्यारे लाल गुप्ता। वो कहाँ रहता है उसका भी मुझे पता है। जो कुछ तुम कहती हो अगर गलत हुआ तो? गलत हुआ तो जो आपकी मर्जी में आए मुझे वो सजा दे देना। मैं सच कहता हूँ, मुलजिम अपने मुंह से खुद कहेगा कि खून मैंने किया है। अगर नहीं कहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना बस। आई सी। इंस्पेक्टर सर, इस आदमी को मेरे कमरे में ले आओ। यस सर। चारों भूत चारों शैतान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, पकड़ उसी को जो न माने किसी को। मान मान मान, मेरा नहीं तो मेरे उस्ताद का कहना मान। कौन हो तुम? क्या शोर मचा रखा है? चेहरे पे नमक, आंखों में चमक, दिल में दमक, आंधी हो या तूफान सब टल सकता है मेहरबान, लेकिन जोगी की बात कभी खाली नहीं जा सकती। तेरा एक दुश्मन फांसी के फंदे पर लटकने वाला है। मत हो हैरान, तेरे दिल में जल रही है शमेदान, तेरे घर में बंद है गुलफान, लेकिन मेहरबान वो है तेरी दुश्मनी खानदान। ले आ उस मगरूर को, जाने हूर को, बलाए नागहानी को, मौत की नाली को। पढ़ दूंगा ऐसा मंत्र, हो जाएगी जंतर, बन जाएगा काम, हो जाएगी हमेशा के लिए तेरी गुलाम। अच्छा। हाँ, वरना कुत्ते की मौत मरेगा, जो किया है वो भरेगा, जो नहीं किया है वो भी तेरे सर पे पड़ेगा। अभी हाजिर करता हूँ पीरो मुर्शिद। बन गया काम, मेरा नहीं तेरा मेहरबान। कौन लड़की? कैसी लड़की? मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं है। खता तेरी नहीं लकीरों की है, तुझ पे मेहरबानी खुदा की नहीं हम फकीरों की है। दिल में आया है तो बताकर ही जाएंगे, और तेरा हाथ गुरु के हाथ में थमा कर ही जाएंगे। इधर हाथ तोला प्यारे। देखो, जो कुछ बताओगे अगर झूठ हुआ तो मैं गोली मार दूंगा। अब बता क्या बताता है। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से सुंदर। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से सुंदर। इधर तो हाथ ला प्यारे। लिखा है तुझको तो किसी से उल्फत है, मगर उस जालिम को तुझी से नफरत है। वो चाहे औरों को ये तेरी किस्मत है, ये जालिम प्यार दिखलाता है क्या क्या नजारे। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से जुंजारे। इधर तो हाथ ला प्यारे। लकीरें कहती हैं ये तेरे हाथों में, कि तेरा मन उलझा है ऐसी बातों में, कि सोना मुश्किल है तुझे अब रातों में, ये तेरे भेद खोले हैं लकीरों ने सारे। इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों ने फकीरों से सुंदर। इधर तो हाथ ला प्यारे। Thank you.
है जो तूने वही पाएगा तू, बुरी होगी बेटा गच पाएगा तू, फकीरों से बच के कहाँ जाएगा तू, तेरी किस्मत की चाबी है मेरे हाथों प्यारे, इधर तो हाथला प्यारे, दिखाऊं दिन को भी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से सुंदरे, इधर तो हाथ ला प्यारे, दिखाऊं दिन कभी तारे, लिखा है क्या लकीरों में फकीरों से जुंजार, इधर तो हाथ ला प्यारे। राजू खून के इल्जाम से बरी हो गया। बरी हो गया? हाँ। कहाँ है वो? अभी तो छोड़ा नहीं गया। वो हमारे रुपए छीनने के जुर्म में उस पर मुकदमा चल रहा है। मुकदमा? तो आप अपना मुकदमा वापस क्यों नहीं ले लेते? हम कुछ नहीं कर सकते बेटी, कानून गुनहगार को सजा जरूर देगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मामूली सजा होगी, बिल्कुल मामूली। मुलजिम राजकुमार सक्सेना को धर्मदास के रुपए छीनने के जुर्म में 2 महीने कैद की सजा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। बेटा, शुक्र है भगवान का, ये दिल्ली की सजा कट जाएंगे, चिंता नहीं करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं कह रही, मैं तुम्हारा इंतजार करेंगी। यापा पारंग रुस्तम जी भेरोंगी इंजीनियर हाजिर है, रुस्तम जी भेरोंगी इंजीनियर हाजिर है। नमस्ते, आप पहले से ही मौजूद हैं? अरे आओ राजू, कैसे हो बादशाह? पार्टी मौजूद है। आई आइए, हो हम तुम्हारे लिए आए थे। घर क्यों आए, किधर लेके जाकर? अरे गल को शादी करने से तुम्हारी छोकरी से शादी नहीं करेगा। कहा को नहीं करेगा जी, ये 5,000 रुपया खा को बैठा तो और ये 1,000 रुपया खा रहे। लेकिन क्या जी, ये शादी के मंडप से भागा तो तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम्हारा दिल क्या बोलता जी? चलो जी घर से चलो, मुत्तू स्वामी। जिसको होटल में भाड़े नहीं बताए थे, रेस नंबर 3, घर नंबर 7, घर नंबर 7, रेस नंबर 3, मर गए। पुलिस ने छोड़ दिया मगर ये नहीं छोड़ेगा, भिंडी बाजार से पीछे आ रहा है। शादी ₹50,000 आप दोनों को लगाना। शादी कोई घोड़ा और बताइए। 1, 2, 3, 4, 5 घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5, घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5, घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5, घोड़ा नंबर 5, रेस नंबर 5। शिवा, शिवा, शिवा कमाल हो गया, कमाल हो गया शिवा। आप देखो,
गाड़ी में भरी है, ये कपड़े भी मेरे छूटा और सब चीज हो जाएगा। तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाव से करें सब मामला ठीक कर दूंगा। सीधा तकदीर में कुछ ऐसा पलटा था कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। आपको यकीन नहीं आ रहा है और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है शीला। दरअसल जो तुम मुझे पहले समझती थी वो मैं नहीं था, जो तुम मुझे अब समझती हो वो भी नहीं, लेकिन जो तुम मुझे पहले समझती थी शीला अब मैं वो हो गया हूँ। समझ गई? समझ सब समझ कर समझ लो, समझ गया फिर कोई समझे और समझ समझ कर भी जो ना समझे तो समझो को ना समझे। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे।